Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद करता हूं कि तमाम प्यारे साथी खैर व आफियत के साथ होंगे. हमारी दुआ है अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी तमाम तर मुश्किलातों को आसान फरमाए. अपनी चैनल लव नक्शबंदी पर आप अहबाब को खुश आमदीद कहूँगा. एक नए वजीफे और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आज मैं नाम मर्दगी यानी कि कुव्वत मर्दानगी जिनकी कमज़ोर हो चुकी है शादी से पहले, जो अहबाब गलत कामों के अंदर मुबतला होते हैं, वो शादी के लायक नहीं रहते. दोस्तान मोहतरम, उनको शादी के दौरान बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बड़े हकीमों के पास जाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते. तो दोस्तान मोहतरम, एक मुजरब अमल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको करके देखिए, इंशाल्लाह इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा. कुरान के अंदर मोमिन के लिए शफा ही शफा है कि जो भी सिद्ध के दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ ये अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर बड़ा करम होता है. तो दोस्तों ने मोहतरम, अगर आप भी इस मामले के अंदर मुबतला हैं, आपकी कुव्वत मर्दानगी बिल्कुल जा चुकी है, तो कुरान पाक की दो आयात हैं. इंशाल्लाह 21 दिन तक पानी के ऊपर दम करके पढ़ के इसको पिए, इंशाल्लाह आपके अंदर ताकत आएगी और ऐसी ताकत आएगी कि आप बड़े बड़े हकीमों के पास जो दवाइयाँ ली उनसे भी इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ होगा. हकीमों से जब दवाई लेते हैं तो उसका चंद दिन तक असर रहता है, लेकिन ये जो अल्लाह का कलाम है इसके अंदर शफा ही शफा है. तो दोस्तान मोहतरम, उस जानब जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें. तो समाद की है करें कि कुरान पाक की दो आयात, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून. एक दफ़ा फिर समाद करें, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून. 21 दिन तक 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके एक मरतबा दिन के अंदर पी लिया करें. किसी भी वक्त ये अमल आप कर सकते हैं. इंशाल्लाह जब से आप स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह पहले दिन से ही इसकी बरकत आपको नसीब होंगी, आप अपने अंदर तब्दीली देखेंगे. तो ज़रूर प्यारे साथियों, इसको अपने तमाम दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें कि जो आपके करीबी हैं. अल्लाह आप सबको सलाम.